Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. महत्व है इसको कई अपेक्षाओं से समझा जा सकता है जो बीज पाचम आठम ग्यारस चौदस पूर्णिमा अमावस्या ये सारी जो तिथियां होती हैं इन तिथियों का सबसे बड़ा महत्व यह है कि आदमी को ये याद दिलाती है कि तुम पूरी टाइम एक ही धर्म में मत चलो एक ही दिशा में मत बहो तुम्हें अपने आप का भी ख्याल जागे तो पुराने लोगों ने इसकी पूरी व्यवस्था करके रखी थी कि एक गृहस्थ में रहता हुआ आदमी अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को भूले नहीं वो इस संसार की यात्रा में क्यों है हम क्यों इस संसार की यात्रा में आप सोचो जरा क्या खाली पढ़ लिख करके पैसा कमाने के लिए या केवल बच्चे पैदा करके संसार बढ़ाने के लिए हम क्यों इस संसार की यात्रा में कभी सोचा नहीं सोचा देखो घर बनाना जैसे गाड़ी खरीदना पैसा कमाना जैसे गाड़ी का रख रखा और पेट्रोल का पेट्रोल डालना ठीक है संबंध बनाना जैसे कि हम अकेले यात्रा नहीं कर सकते इसलिए सफर में बहुत सारे लोगों के साथ मित्रता बना लेते हैं लेकिन क्या इस सफर में बैठने का उद्देश्य केवल टाइम पास करना लोगों के साथ मित्रता बनाना रिश्ते बनाना खाना पीना खाने पीने के लिए पैसा इकट्ठा करना इतना ही था ये सफर का कहीं किसी मंजिल तक पहुंचाना भी था कुछ तो कारण होगा जो यहाँ पर है हा? क्या कारण है हमें पता है हमें नहीं पता हम यहाँ हैं क्यों जब तक लक्ष्य की स्पष्टता नहीं होती है तब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती है उन क्रियाओं का कोई कारण समझ में नहीं आता ठीक बात है तो सबसे पहले हमें लक्ष्य की स्पष्टता तो होगी हम यहाँ है क्यों हमें से कोई भी यहाँ पे क्यों है क्यों पैदा हुआ क्यों जन्मे क्यों जी रहे हैं किस दिशा में जीवन जा रहा है ये जीवन स्वेच्छा से है या जबरदस्ती है या यूं ही कोई संयोगों का प्रभाव है सवाल तो पैदा हुआ तो हमारा यहाँ होने का कारण है वो यह है कि हम सब अपने आप को अपनी पूर्णता में जान सके अपनी पूर्णता में जगा सके अपनी पूर्ण संभावनाओं को प्रकट कर सके खिला सके हम अपने कंप्लीट स्वभाव को उजागर कर सकते हैं इसी मनुष्य जीवन में अल्टीमेट ब्लिस को उपलब्ध हो सकते हैं अल्टीमेट ब्लिस चरम मंगल अल्टीमेट ब्लिस क्या है कि हमारी हमारा होनापन आनंदमय हो हर पल और हमारे ऊपर किसी तरह का ऐसा प्रभाव ना बचे कि जिसकी वजह से मैं दुखी हूं या मैं सीमित हूं हम सब असीम हैं लेकिन अपनी रॉन्ग आइडेंटिटी की वजह से हम अपने आप को सीमित मान के बैठे हुए हम सब विराट है बाउंड्रीलेस है इनफाइनाइट है लेकिन हम सबको सिखाया गलत गया तो हम जो अनंत है हम जो असीम है हम जो विराट है वो कुछ होने की कोशिश में पूरी जिंदगी बिता देते हैं वो कुछ क्या होना है कुछ होना मतलब सीए होना डॉक्टर होना इंजीनियर होना वकील होना मंत्री होना प्रधानमंत्री होना अध्यक्ष होना ये कुछ होने की कोशिश में हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं जबकि हम है क्या हम जो सब कुछ है वो कुछ होने की कोशिश में पूरी जिंदगी गुजारा कर रहे हकीकत ये है हम अपने आप में सब कुछ है अनंत आनंदमय है प्रेममय है ज्ञानमय है मुक्त रूप है और हम इस संसार में कैसे आए ऐसे समझो जैसे आप कभी कभी घूमने जाते हो तो अपना बैग वैग पैक करते हो अपने दोस्तों के साथ
कुछ एक ग्रुप बनाते हो और 10-20 दिन की कश्मीर यात्रा करके आ गए, ठीक है, अब दोस्तों के साथ ऐश मौज सब कुछ करते हो, लेकिन आपको पता है कि घर आपका कश्मीर नहीं है, घर तो आपका पाली है, घूम फिर करके वापस यहाँ आना है, बस 20 दिन की यात्रा के अंदर आप अपने दोस्तों के साथ कैसे रहते हो, बस रहते हो, आपको कोई फिक्र नहीं क्योंकि वापस घर पर लौट के आना घर आपका वही है, ठीक है। ऐसे हम इस धरती पर आए हैं समझो, एक छोटी सी जर्नी के लिए, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जिसको हम फैमिली बोलते हैं। आगे पीछे गाड़ी के डिब्बों में लोग बैठे हैं, कोई पहले पहुंच गए कोई बाद में आ रहे हैं, और उसके बाद में ये सारी जर्नी करके हमें अपने में, इस सारी जर्नी का उद्देश्य क्या है कि अपने आप को एक्सप्लोर करना और अपने आप को कम्प्लीटली परफेक्ट बना लेना। सारी जर्नी का मोटो क्या था, इन सब स्थितियों से गुजरते हुए अपने आप को एक्सप्लोर करते जाना, खुद को जानते जाना, खुद के चैप्टर्स खुलते जाएंगे, खुद को जानते जाओगे और खुद को बाउंड्रीलेस फील कर पाना, इनफाइनाइट अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको जीना, अपने अस्तित्व को उसकी पूर्णता में जीना, अपने अस्तित्व को उसकी पूर्णता में जीना, क्षण क्षण आनंद में जीना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन क्या हमें पता है? नहीं पता। हमें क्या सिखाया गया? बस तुम्हें अच्छा बच्चा बनना है, फिर अच्छा भाई बनना है, फिर अच्छा फ्रेंड बनना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है, फिर अच्छा क्या शादी करोगे तो क्या बनोगे, पति, फिर अच्छा पति बनना, अच्छी पत्नी बनना, अच्छी वो बनना। अब वो अच्छी की परिभाषा क्या है कि दूसरे लोग आपको अच्छा कहें तो आप अच्छे हो, ठीक है ना। अच्छा फिर पूरी ज़िंदगी क्या करना क्या है, बस यही सब कुछ करना, इकट्ठा करना, जोड़ जोड़ करके, फिर दिन जब मर जाओगे तब क्या होगा? वो अच्छा आदमी चला गया। अच्छा आदमी चला गया, ठीक बात है, लेकिन इन सब के अंदर तुम क्या थे? तुम सुखी थे, तुम मुक्त थे, तुम आनंदित रहे? नहीं, कभी कभी खुश हुए और कभी कभी दुखी हुए। एक भाई से मैंने पूछा था कुछ समय पहले, मैंने कहा कैसे हो, तो बोला कभी खुशी कभी गम। तो ऐसी हम सबकी जिंदगी है ना, पर हमारा लक्ष्य तो हमें पता है, हम धरती पर आए क्यों हैं, हम विजिट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे इन फैमिली फ्रेंड्स के साथ क्यों हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिप लेकर के आए। इस ट्रिप में हम सब लोग एक दूसरे के सहयोग से अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, सब लोग अलग अलग रोल प्ले करेंगे, एक मूवी के अंदर सब लोग अलग अलग रोल प्ले करेंगे और सब अपने आप को जानेंगे इसके अंदर में, और सब अपने आप को जानते हुए सबका सहयोग लेते हुए मुक्त हो सकेंगे, इसलिए हम यहाँ पर। और मुक्त होने का मतलब क्या है कि हम साइकोलॉजिकली इमोशनली किसी के साथ डिपेंडेंट नहीं होंगे और अपने आप को जान रहे होंगे। पर अभी हमारा पूरा जानने की दिशा कौन सी है, खुद को या दूसरे को? हर वक्त हम किसको सोचते हैं, किसको पढ़ते हैं, किसको सुनते हैं, किसको देखते हैं, किसके साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, किसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, सब कुछ दूसरों के साथ, ठीक है। अब अगर आप ये सारे एक दिन ऐसा सोचो जब तुम्हारे बाहर दुनिया में कोई नहीं, तुम खुद हो, अकेले हो, तो तुम अपने आप के साथ कैसे रहोगे? कैसे रहोगे बताओ? हाँ, बोर हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, इतने पूरी चीज़। देखो कह रहे तुम कि हम अकेले हो जाए तो हम बोर हो जाएंगे, इसका मतलब तुम इतने बोरिंग पर्सन हो। प्रज्ञा जी कह रहे इतने बोरिंग पर्सन हो क्या कि खुद के साथ रहोगे तो बोर हो जाओगे? ऐसा है ना, लेकिन हम खुद के साथ रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, है ना। तो देखो कि तुम खुद के साथ बोर हो जाओगे, तुम खुद के साथ बोर हो जाओगे, और दोनों मिलते हो तो बोलते हो क्या बोरियत नहीं है? अब ऐसा कैसे हो सकता है? बोरियत तो वहाँ भी है, फिर ढक जाती है बातों से, है ना, इसीलिए हमें हर बार नई नई कुछ बातें चाहिए। तो जिन्होंने जीवन को उसकी पूर्णता से जिया और पूर्णता से जाना, उन्होंने एक बात कही,
ये जीवन अपने आप में कंप्लीट है, और जिसको तुम बाहर देख रहे हो, बाहर सुन रहे हो, बाहर, वो सब कुछ की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर भी सब कुछ है। और तुम एक बार अपने में कंप्लीट होके फिर उस दुनिया से मिलो ना, तो तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, गुलाम नहीं बनते। जैसे तुम अमीर होकर के जब अमीरों की बस्ती में जाओ तो तुम अमीर होते हो, लेकिन तुम अमीर नहीं और अमीरों की बस्ती में जाओ तो कैसे हो जाओगे? तुम पढ़े लिखे और पढ़े लिखों के साथ बैठो तो कैसे होते हो? पढ़ा लिखा आदमी समझदार आदमी कहलाता है, सभ्य आदमी कहलाता है, नहीं हो तो मुश्किल है, ठीक है। अब ये हमारे इस दुनिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि हम सारे लोग अपने आप में कंप्लीट नहीं है, और बाहर से किसी और से कंप्लीट होने की कोशिश में लगे रहते हैं। और तब हम सारे ही लोग जो अपने आप से बोर है, अपने आप में इनकम्प्लीट है, वो दूसरों से कंप्लीट होने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ झगड़ा पैदा होता है। और जितनी देर झगड़ा नहीं होता उसको हम प्यार कहते हैं, बाकी झगड़ा तो कॉन्स्टेंट है। नाराजगी भी कॉन्स्टेंट है एक तरह से, जितनी देर नाराजगी याद नहीं आती, जितनी देर कुछ चीज़ें लाइनें बराबर मैच कर रही होती है, उतनी देर उसको शांति, प्यार, मोहब्बत कह लेते हैं। जितनी देर ऐसे ही तो चल रहा है सब कुछ, अब कुछ लोग इस चीज़ों को आर पार देख पाते हैं, अधिकांश लोग देख नहीं पाते। हमारे को इस तरीके से सोचने और देखने के लिए हमारा विजन डेवलप नहीं हुआ, ये तो कारण है कि हम सारे लोग देख ही नहीं पाते मैं यहाँ हूँ क्यों, क्योंकि इस तरीके से कभी हमने सोचा ही नहीं, इस तरीके से हमारा विजन ही डेवलप नहीं हुआ। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने जीवन को पूर्णता से जिया और जाना, उनका ये विजन डेवलप हुआ, तो उनको समझ में आया कि हमें अपनी स्मृति रहनी चाहिए, हम खुद को भूले ना। हम ये आवश्यक कार्य करते हुए संसार की जर्नी में सबके साथ रहते हुए कहीं भूल ना जाएं कि हम केवल इन्हीं के संबंधों में उलझने के लिए नहीं है, संबंध तो सहयोग के लिए है, हम अपने आप में कंप्लीट है। आपको पता है अपने आप में कंप्लीट है? नहीं पता। हमें हमेशा दूसरों से चाहत होती क्यों है, सवाल ये, क्योंकि हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें लगता है कोई दूसरा मिल जाएगा तो शांति होगी, लेकिन हुई नहीं, हुई तो नहीं। पर इस भ्रम में हमें पूरी जिंदगी जीना पड़ता है, क्योंकि इस भ्रम के परे का सत्य क्या है हमें पता भी नहीं ना, नहीं पता, एक्चुअल में नहीं पता। हमारे को कभी उस तरीके से सोचने की बात पता ही नहीं गई कि तुम सोचो तो सही कि तुम हो क्या, अगर तुम्हारे सारे संबंध की बाउंड्री हटा दी जाए, मतलब तुम्हारे नाम, तुम्हारे सारे कनेक्शंस, सारी कनेक्टिविटी, सारी डिग्रीज, इवन देन तुम किसके बेटे हो, कौन सी जाति के हो, कौन से कुल, कौन से खानदान, कौन सी सारी बाउंड्रीज हटा दी जाए तो हमें क्या, हम जानते हैं? हम नहीं जानते ना, पर फील करो, क्योंकि बाउंड्रीज कनेक्टिविटी जितनी है वो अडॉप्टेड है, वो बोरोड है, वो ली गई है, इसीलिए कितना उसको मैनेज करना पड़ता है, उधार की बात जो कितना मैनेज करना पड़ता है। पर आप हो, आप हो बिना संबंधों के लिए, आपके अस्तित्व की पहचान के लिए इन सारे संबंधों की जरूरत नहीं है, लेकिन इस दुनिया में व्यक्तित्व बनाने के लिए इन सारे संबंधों की जरूरत है। तो देयर आर टू वर्ड्स, एक अस्तित्व, एक व्यक्तित्व। व्यक्तित्व इज पर्सनैलिटी, आपका आउटर परफॉर्मर, और अस्तित्व एग्जिस्टेंस, विच इज यू आर, विच इज वी आर, है ना, जो हम हैं। अब क्या हुआ, मेरी बात सुन रहे हो, दूर तो नहीं हुआ। अब क्या हुआ हमारे साथ कि हम अपने आप को जानते ही नहीं, खुद को भूला है, दिन भर कुछ और बनने के चक्कर में लगे रहते हैं। पर इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं और हुए और होंगे भी, जिन्होंने इस अस्तित्व को महसूस किया आनंद में, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ हैं इसलिए ताकि हम आनंद में अस्तित्व को जी सकें और हर पल जी सकें। तो वो कहे हम जी रहे हैं, तो लोगों ने पूछा हम कैसे जिए, हमें तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा थोड़ा गैप लो, थोड़ा थोड़ा स्पेस दो, आउटर ये सारे वर्ल्डली कनेक्शन से अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके खुद के अंदर आओ, और फिर खुद को खोजो कि तुम हो क्या।
और फिर खुद के अंदर की जो कमियां थी जो आपने मान रखी है नहीं एक्चुअल में, केवल मान ही रखी है, आप उसको जान लो तो पता लगेगा कुछ भी नहीं कमियां, आप कंप्लीट हो, परफेक्ट हो, लेकिन कमियां अडॉप्टेड है, क्योंकि किसी ने कह दिया कि अरे तुझे ये तो किया ही नहीं, अरे तू तो फेल हो गए, अब उन्होंने कह दिया इसलिए हमने मान लिया हम कमजोर आदमी है, तो थोड़ी तुम कमजोर थोड़ी हो, सब अपना पे कंप्लीट है, लेकिन अब दूसरों के पैमानों पर हम तुल रहे हैं तो क्या करें। अब सोने को कोई कपड़ों के नाप से तोलना चाहेगा, कोई रुई के नाप से तोलना चाहेगा, कोई सब्जी के नाप से तोल, कैसे तोलेगा, तो सहसा सभी लोग हैं हम ये गलत पैमानों पर पूरी जिंदगी तोले जाते। तो जिन्होंने ज्ञानियों ने अनुभव किया ना इस सत्य को, उन्होंने कहा कि अपने आप को कभी बाहरी सारी आउटर कनेक्टिविटी से अलग करके खुद के अंदर आके झांको और खुद को देखो, खुद को जियो, तो बड़ा आनंद आएगा। तो आगे बोला मैं कैसे आऊँ, पत्नी है, बच्चे हैं, बिजनेस है, ये है वो है, अपने लिए टाइम कहाँ मेरे को, तो कहा अच्छा बाबा दो दिन उनको दे या फिर खुद को दे, ठीक है, दूज के दिन खुद को दे दे, तीन चार वापस दुनिया को ले दे, पांचों के दिन फिर खुद को ले दे, छठ सातों फिर दुनिया को ले दे, आठों फिर खुद को दे दे, नौ दसों फिर दुनिया को ले दे, ग्यारह तो खुद को दे दे, बारह तेरह फिर दुनिया को दे दे, चौदह तो खुद को दे दे, हर दो दिन बाद एक दिन तो खुद को दे दे, और जब तू खुद को देगा एक दिन, उस एक दिन में क्या करेगा, तो फिर तुझे मार्ग बताया जाता है कि दोनों दिनों में मौन रह, बाहर दुनिया से कनेक्शन कम रख, उन दिनों में उतना ही खाना ले जितना जीने के लिए, आज के जीने के लिए बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, अगर खाने के बिना आज जी सकते हैं तो बिना खाने जी, ठीक है, फिर क्या कहा उन दिनों के अंदर क्या कर, उन लोगों की वाणी को सुन और पढ़ जो तुझे खुद की स्मृति दिलाएगी, खुद से मुलाकात कराएगी, दैट इज स्वाध्याय कर, सत्संग कर, हर रोज तो तुम मेरे पास नहीं आ सकते, आई नो वेरी वेल, तो दो दिन बाद एक दिन तो आ सकते, ठीक है ना। अब तुम कहोगे दो दिन बाद भी नहीं आ सकता, तो ज्ञानियों ने कहा अच्छा बाबा तू सेवन डेज के बाद एट डेज, आठवें दिन आ जा, आठवें को आ जा, चौदह को आ जा। अब पहले लोग आठवें चौदह से बात करते थे, यू नो आज के हम लोग बात करते हैं एक जनवरी दो जनवरी तीन, पहले से लोग पास नहीं करते थे, ये ईसवी संवत इतना फेमस नहीं था जब तक ये ब्रिटिशर्स का इतना ज़्यादा साम्राज्य नहीं फैला था, यू नो ईसवी संवत नहीं था, और भारत के अंदर भी बात करने के लिए लोग तिथियों से बात करते थे, तारीखों से बात नहीं करते थे, घंटों से बात नहीं करते थे, घड़ियों से बात करते थे, है ना, अगर दो घड़ी के सत्संग, दो घड़ी के सामायिक, वो सब घड़ी से बात करते थे, तो क्या कहते थे एक अंदूज नहीं से बेटा तीस आ जा, अच्छा बाबा सातवें दिन सही, आठवें दिन तो आ जा, आठवें को था चौदह को तो आ जा, तो उस दिन तो उपवास क्यों कर रहा है, अभी बहुत लोग उपवास कर रहे हैं, उनको पता नहीं वो क्यों उपवास कर रहे हैं, वो हकीकत है ब्रेक लो बाहरी दुनिया से और अपनी इनर जर्नी करो, उन दिनों में अपना शांत एकांत कमरा जैसे बनाए ना लाइब्रेरी रूम, ऐसे पौषधशाला अपने घर में एक कमरा ऐसा बनाओ जो आत्मा का मंदिर हो, और वहां जाकर के अपना ध्यान लगाओ, श्वास परीक्षा करो, ध्यान साधना करो, भक्ति करो, सत्संग करो, वो समय में क्या करना, वो प्रेरणा गुरु जी से प्राप्त कर लो और वो करो, इसलिए आठ चौदस बनाए गए, ठीक है ना। अब इन दिनों में खाना हरा पीला खाना या लाल पीला नीला क्यों नहीं खाना, हकीकत में खाने का इतना ही प्रयोजन था कि वो खाना खाओ जो तुम्हारे हेल्थ को, भोजन इतना ही हो जितना बहुत जरूरी है, जितना रिक्वायर्ड है, अब चाहे उपवास कर लो ना हो, ना ही खाए बिना रह सको तो, नहीं तो आंबिल कर लो, नहीं तो एकाशना कर लो, नहीं तो उतना ही लो जितना बेहद जरूरी, इसमें हरा ही मत लो ऐसा जरूरी नहीं था, ये अलग अलग जो साधनाएं होती ना उन साधनाओं में कुछ उपनियम दिए जाते हैं ना, मेन नियम होता है साधना करना, फिर उस नियम के कुछ उपनियम होते हैं, सब लॉज होते हैं, तो मेन नियम तो था ध्यान धारणा समाधि साधना स्वाध्याय सत्संग, ठीक है। अब इसमें सहयोगी क्या है, संतुलित भोजन, कम बोलना, कम खाना। अब वो कम बोलना कम खाने के लिए नियम थे, क्या वो खाना खाओ जो आपके शरीर को प्रमाद ना दे, आलस ना दे। अब लोगों ने इसको सब हिंसा अहिंसा से जोड़ दिया, तो नए टफ क्वेश्चन पैदा होता है कि फिर आठम के दिन उसमें जीव आ जाते हैं, आठम के दिन करो तो हिंसा होती है, तो सातम के दिन जीव कम हो जाते हैं, क्या उस दिन हिंसा नहीं होती है, भाई बच्चों की लॉजिक तो बिल्कुल बराबर है,
वो कह आठम चौदस को हरी नहीं खानी तो सातम और तेरस के दिन उसमें हरी में जीव कम हो जाते और आठम चौदस में जीव बढ़ जाते हैं क्या? एक्चुअली उसकी कॉन्सेप्ट की कंडीशनिंग गलत हो गई, इसे लेना देना ही नहीं था कि उसमें जीव है कि नहीं है। जीव तो जीवन के बिना जी नहीं सकता। हम में से कोई भी आदमी नॉन लिविंग थिंग्स खा के जीवित है क्या? जरा सोचो, हम कागज कपड़ा लकड़ी खा के जीवित है क्या? नहीं ना। हम में से हर आदमी जीवन के साथ ही जीवित है ना। हम हवा पानी भोजन जो भी ले रहे वो सब जीवन है, हम जीवन के साथ जीवित है। परस्परोपग्रहो जीवनम्, इसको जैन सूत्र कहते हैं, परस्परोपग्रहो जीवनम्, मतलब हम सभी जीव परस्पर एक दूसरे के उपकारी है, परस्परोपकारी है, परस्पर संयुक्त है। वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, वी ऑल आर इन सिंबायोटिक रिलेशनशिप। हमें से कोई एक दूसरे से जुदा होकर के नहीं जी सकता है। परस्परोपग्रहो जीवनम्, दूसरे दर्शनों ने इस बात को कहा जीवो जीवस्य भोजन, ये जीव जीव का भोजन। हमने ऐसा नहीं कहा जीव जीव का भोजन, हमने कहा जीव जीव का सहयोगी है। ये फर्क है, लैंग्वेज का फर्क है। बात वही कही जा रही है लेकिन कितनी सुंदर तरीके से कही जा रही है। तो हरी नहीं खाने का, तिथियों पर ऐसा नहीं करने का विधान केवल हरी नहीं खाने के लिए नहीं था, वो किसके लिए था? अपने आप के मुलाकात करने के क्षणों में आप ऐसा भोजन क्यों लेते हो जो आपको डिस्टर्ब करेगा? बस इतनी बात थी। अब वो हरा डिस्टर्ब करता है, सूखा डिस्टर्ब करता है। अब कई लोग हैं जो अगर मूंग चावल छोले खाएंगे तो उनको गैसेस बनेगी, उनके शरीर में आलस आएगा, तमस बढ़ेगा, तो वो ना खाए। किसी का शरीर कैसा भोजन मांगता है, किसी का शरीर कैसा भोजन मांगता है। जिसके शरीर की जैसी प्रकृति हो, जिसका मौसम जैसी जैसा अलाउड करे, उसको वैसा भोजन लेना, लेकिन कम मात्रा में, कम मसाले वाला, कम घी तेल वाला, ताकि उसके शरीर के अंदर में वो इंद्रियों की चंचलता, मन की चंचलता ना बढ़े, वो शांत रह सके। तो भोजन सब लो सेकंड नियम, उप नियम है, मुख्य नियम भोजन है, मुख्य नियम साधना है, स्वाध्याय है, ध्यान। इज इट ओके? जय हो।